we are going to read today the poem Song of Myself. Song of Myself by Whitman. Walt Whitman. हम लोग आज वाल्ट विटमैन की पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ने जा रहे हैं। कल इसके मीनिंग हम लोग लिखे थे, ठीक है, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। देखें समरी, इससे पहले इंट्रोडक्शन। वाल्ट विटमैन जिनका जन्म 1819 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1892 ईस्वी में हो गई, 1892 ईस्वी में हो गई, ये पीपल्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं। पीपल्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं। जिस तरह से हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाते हैं, उसी तरह से ये भी पीपल्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं। और ये इंडिविजुअलिस्टिक विचार के हैं, इनका विचार बिल्कुल व्यक्तिगत है, अपना, किसी के प्रभाव से प्रभावित ये नहीं होते हैं। और अमेरिका में शायद एलोन ऐसा फिगर थे, ये अकेले जो बिल्कुल इंडिविजुअलिस्टिक थे। ही बिगैन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, 12 वर्ष के भी नहीं हुए थे तो ये कारपेंट्री शुरू किए, बढ़ई का काम शुरू किए। ही ऑल्सो वर्क एज ए प्रिंटर, प्रेस में छपाई का काम किए, टीचर, उसके बाद शिक्षक का काम किए, एंड एडिटर, उसके बाद समाचार पत्र के संपादक का काम किए, एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, सिविल वार जब हुआ, तब ये वॉलंटियर नर्स का काम किए, स्वयं सेवी का मतलब इंजर्ड लोगों को सेवा करना, उनके सुख सुविधा का ध्यान देना। विटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास इज नोन फॉर इज फ्री रिदम एंड लैक ऑफ राइम। विटमैन की सबसे फेमस दो बुक है, एक का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास और दूसरा का नाम है ड्रम टैप्स। लीव्स ऑफ ग्रास या इनकी कोई भी कविता, जैसे इसकी कविता का पहला स्टैंजा हम पढ़ रहे हैं, जिसमें राइम का अभाव होगा, थुक नहीं मिलेगा, जैसे I celebrate myself and sing myself, what I assume, you shall assume, लाइन में लास्ट लाइन नहीं मैच करता है। लेकिन इसके बाद वाला कविता को पढ़ करके देखिए आप, Now the leaves are falling fast, देखिएगा जिनके पास बुक होगा, Now the leaves are falling fast, इसके बाद वाला, पहले नहीं बाद वाला कविता, चार लाइन हम बोल रहे हैं ज्यादा नहीं। Now the leaves are falling fast, nurses flower will not last, nurses to the graves are gone, frames are rolling on. देखिए, fast, last, gone, on, पहला लाइन दूसरा से, तीसरा चौथा से मैच करता है, उसी को राइम स्कीम कहते हैं, बताए होंगे पहले भी लोगों को। लेकिन इनकी कविताओं में राइम का क्या मिलेगा, अभाव मिलेगा, राइम स्कीम नहीं मैच करेगा। विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855, 1855 ईस्वी में
वाल्ट व्हिटमैन ने अपनी पुस्तक अपने खर्च से छपवाया, कोई प्रेस को नहीं, अपने छपवाए। हाउएवर द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वेर नॉट वेल रिसीव्ड एट इन फर्स्ट। जब ये पब्लिश किए इनके बुक तो लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, यानी इंटरेस्ट नहीं लिया लोगों में। पहली बात, लोगों को लगा कि तो वाल्ट व्हिटमैन का इंडिविजुअल थिंकिंग है, उनकी अपनी सोच है, अपनी राय है। इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट व्हिटमैन हिज जॉब एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन। रिएक्शन उल्टा हुआ, इनकी कविताएं जो पोएम लिखे थे ये काले लोगों के पक्ष में, ये अब्राहम लिंकन के ट्रू फॉलोअर थे, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उनके मरने के बाद भी इन्होंने कविता लिखी थी, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ओ कैप्टन माय कैप्टन। इनकी कविताएं, वाल्ट व्हिटमैन की कविताएं, लोगों को भद्दा लगा, बुरा लगा। गवर्नमेंट ने इनको जॉब से भी हटा दिया। रिएक्शन में लॉस्ट हिज जॉब, नौकरी भी क्या करनी पड़ेगी इनको, छोड़नी पड़ी, यह हटा दिया गया। एज इट इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशंस लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। एक प्रेस वाले ने, जिस तरह से हमारे राज्य में बिहार में बहुत से प्रेस है, भारती भवन, स्टूडेंट्स प्रिंट्स पब्लिकेशन है ना, उसी तरह इंग्लैंड अमेरिका में एक पब्लिकेशन वाले ने इनसे अनुमति नहीं लिया और इनके पुस्तक को, लीव्स ऑफ ग्रास को क्या किया, छपवा दिया और रिटन बाई नाम नहीं दिया इनका। किसके द्वारा लिखा गया, जो दिया नहीं गया। वाल्ट व्हिटमैन की नाम की चर्चा उस बुक में नहीं रही। आप सोचिए लोग कैसे होते हैं, जब नाम था इसका वाल्ट व्हिटमैन का तो कोई लोग नहीं पढ़ा, जब इनका नाम नहीं था तो क्या हुआ देखिएगा। Translations of this collection were enthusiastically received in Europe, but Whitman remained relatively unappreciated in America. Without name, not only in America but throughout Europe, his book is well received. जब इनकी नाम की चर्चा नहीं थी बुक में तो अमेरिका की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे यूरोपीय देश में लोगों ने एंथुजिस्टिकली माने उत्साह पूर्वक इनकी कविताओं को पढ़ा, लेकिन इनको प्रशंसा नहीं मिली, ये अनअप्रिशिएटेड रह गए, इनको सिद्धि या प्रसिद्धि, ये फेमस नहीं हुए। बट जब ये मर गए, इनकी डेथ हो गई, तो प्रेस वाले ने, पब्लिशर ने ये डिस्क्लोज कर दिया फैक्ट को, ही रियली All these poems were written by Walt Whitman. It was only after his death that he could be in a presence in America for his original innovative expression. प्रशंसा मिली इनको, ख्याति मिली, सिद्धि मिली, लेकिन डेथ के बाद, मृत्यु के बाद, पूरे अमेरिका के लोगों ने इस नयापन के लिए इनके वक्तव्य को, इनके कथन को एक्सेप्ट किया। हम पहले भी बता चुके हैं कि इनकी दो फेमस कविता का संग्रह, इनके दो फेमस बुक है, देखिएगा इसमें नाम दिया हुआ है, लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स, दोनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि लीव्स ऑफ ग्रास इज रिटन बाय, चार ऑप्शन दिया रहेगा। अब हम आ रहे हैं पोएम पर, देखिएगा पहला दो लाइन पहले पढ़ते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ भाट आई अज्यूम यू सेल अज्यूम। पहले हिंदी में ही, जब आप बहुत खुश होते हैं तो क्या करते हैं, बहुत खुश होते हैं तो क्या करते हैं, कुछ गाते हैं है ना, कुछ गुनगुनाते हैं। कभी भी वही कहता है
लेकिन अंतर क्या है, हम लोग दूसरे के गाए हुए गीत को गाते हैं। कवि कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं जब बहुत खुश होता हूं, बहुत आनंदित होता हूं तो अपनी गान में गाता हूं, दूसरा का गान मैं गाता नहीं, अपने सोच से अपने गीत को गाता हूं। भाटा यज्यूम यू सैल अज्यूम, हम लोगों को कह रहा है, पाठक को बताता है कवि कि जैसा मैं सोचता हूं वैसा आप भी सोचिए, जैसी थिंकिंग मेरी है वैसी थिंकिंग आप भी बनाइए। क्यों? फॉर एवरी ऑटम बिलोंगिंग टू मी एज बिलोंग्स टू यू, क्योंकि जितने अच्छे अनु से हम बने हैं उतने ही अच्छे अनु से आप भी बने हैं। कंपोजिशन दोनों का सेम है तो थिंकिंग भी सेम क्यों नहीं हो सकता है? वी ह्यूमन बींग्स आर कंपोज ऑफ द सॉयल एंड एयर एंड वाटर ऑफ अमेरिका, बी ऑल द पोएट सेज टू हिज कंट्री मैन, सो थिंकिंग शुड ऑल्सो बी सेम। कवि कहते हैं कि जितने अच्छे अनु से हम बने हैं उतने ही अच्छे अनु से आप बने हैं, तो जैसा विचार मेरा है वैसा विचार आप भी बनाइए। इसके बाद वाले लाइन में देखिएगा एक शब्द होगा लोफ, एल ओ ए एफ, है ना, है एल ओ एफ ई, ई भी दिया हुआ लोफ, ई एल ओ एफ ई लोफ, इसी से एक शब्द बन जाता है। आप सोचते होंगे एक शब्द हम लिखते हैं एल ओ ए एफ ई आर लोफर की हिंदी है ना, लेकिन इसी से बना है लोफ, लोफ से ही क्या बन गया लोफर माने घूमना, लोफर उसी को नहीं कहते हैं जो क्या करता है बिना उद्देश्य को घुमा करता है, इसी से बना अंग्रेजी ये शब्द है। बहुत से ऐसे शब्द हैं हिंदी में जो कि लगता है कि हिंदी है लेकिन वास्तव में क्या है अंग्रेजी है। देखिएगा लाइन, आई लोफ एंड इनवाइट माई सेल्फ माई सोल, कवि कहते हैं कि मैं लोगों के बीच घूमता हूं, लोगों के बीच जाता हूं और अपनी आत्मा को, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, कभी कहते हैं कि मैं घूमता हूं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए समर ग्रास, स्पीयर ऑफ समर ग्रास, द पोएट गोज एमंग बोथ पीपल ब्लैक पीपल एंड व्हाइट एंड ब्लैक पीपल, द पोएट गोज एमंग बोथ व्हाइट एंड ब्लैक पीपल एंड ही बॉन्ड्स टू नो द थिंकिंग ऑफ द टू, बट देर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग, दियर थिंकिंग पिंचेज द पोएट एज अ स्पीयर, एज अ स्पीयर, स्पीयर मीन्स भाला, कल मीनिंग लिखा है। कहता है लोगों की बात वैसे चुभती है हमको जैसे गर्मी के दिनों में घास का अगला भाग देखे होंगे बिल्कुल क्या करता है बॉडी में प्रिक करता लगता है छेद कर देगा, वैसे ही कवि कहते हैं कि लोगों की बात क्या करते हैं चुभता है हमको। माय टंग मेरी जिह्वा, एवरी एटम ऑफ माय ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉयल दिस एयर, बोथ पीपल ब्लैक पीपल एंड व्हाइट पीपल आर सन ऑफ अमेरिका, बोथ बेयर क्रिएटेड द सॉयल एंड एयर ऑफ अमेरिका, बोथ शुड बी गिवन इक्वल राइट्स, बट हैव यू हर्ड द नेम ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन प्रोज वी हैव रेड हिज
अ स्पीच, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम. ही फाउट फॉर द राइट्स ऑफ नेग्रो पीपल ऑफ अमेरिका. सिमिलरली द पोएट ऑल्सो सेज, माई टंग एवरी आउट ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर. मेरे जिह्वा, मेरे शरीर का प्रत्येक अंग अमेरिका के मिट्टी से बना है, यहीं के वायु से बना है. और गोरे लोग भी कहां बने हैं? अमेरिका. बोथ आर द सन ऑफ अमेरिका, दोनों अमेरिका के बेटे हैं, दोनों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार में कोई कटौती नहीं. बट देर वॉज ए ट्रेजेडी दैट नेग्रो पीपल वेर नॉट गिवन द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका. कितना बड़ा दुख की बात है, अमेरिका में काले लोगों को नागरिकता नहीं प्राप्त थी. नागरिक नहीं थे, निवासी थे लेकिन नागरिक नहीं थे. 1964 के बाद ये नागरिक बने. मार्टिन लूथर किंग ने इसके लिए लड़ाई लड़ी और तब वे नेग्रो लोग, ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका बिकेम द सिटीजन ऑफ अमेरिका. बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, कभी कहते हैं कि यही मेरे माता पिता ने जन्म दिया. बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट द सेम एंड देयर पेरेंट द सेम. जितना प्यार, जितना दुलार जिस प्रकार से काले लोगों के माता पिता ने दिया, उसी प्रकार से गोरे लोगों के माता पिता ने भी दिया. कवि को कहना चाहते हैं कि वी शुड हैव इक्वल राइट्स, वी शुड हैव लिबर्टी, वी शुड हैव ऑल द फैसिलिटी एज सेम एज द व्हाइट पीपल. काले लोगों को सारी सुख सुविधा मिलनी चाहिए जिस किसको प्राप्त है, गोरे लोगों को. कवि कहते हैं, इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन. कवि का कितना उम्र हो गया है? 37 वर्ष जब ये कविता लिख रहा है तो. और कहते हैं कवि कि परफेक्ट हेल्थ बिगिन, अच्छे स्वास्थ्य के साथ मैं बढ़ता जा रहा हूं. हॉपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ. आप इस क्षेत्र में अपने देश के लिए, मेरे शरीर के में एक बूंद भी खून रहेगा, यानी मेरे शरीर में जब तक जान रहेगी मैं अपने देश के लिए क्या करूंगा, लड़ते रहूंगा मृत्यु पर्यंत तक. हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, जब तक मृत्यु नहीं आ जाता है तब तक हम रुकने वाले नहीं. क्रीड्स एंड स्कूल इन अवेंस, थ्री वर्ड्स, कलर, कास्ट एंड क्रीड, जात, धर्म और रंग. देयर शुड बी नो डिफ्रेंसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड. धर्म, रंग और जात के आधार पर कोई विश्लेषण, कोई विभेद नहीं होनी चाहिए. ऐसी संस्था, ऐसी सोच रखने वाले को बायकॉट करना चाहिए, बहिष्कार करनी चाहिए. कब यही बताना चाहते हैं कि देयर शुड बी नो डिफ्रेंसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड. रिटायरिंग बैक ए भाइल सफिस्ट एट भाट देया बट नेवर फॉरगेटन. रिटायरिंग बैक, जब आराम पूर्वक गहन सोचते हैं तो पर्याप्त मात्रा में सफाइस्ट भाट देया, कहता पर्याप्त मात्रा में जो विचार है, जो सोच है लोगों के बीच. काले लोग किससे नफरत करते हैं? गोरे लोग से. गोरे लोग किससे नफरत करते हैं? काले लोग से. हम इस चीज को कभी भूल नहीं सकते हैं. आई हार्बर फॉर गुड और बैड. कभी कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि प्रत्येक चीज में अच्छाई भी होती है, बुराई भी.
ए मैन इज कंपोजिशन ऑफ गुड एज वेल एज इविल, दोनों चीज होता है प्रत्येक व्यक्ति में, अच्छाई भी और बुराई भी। आप हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा कार्य कीजिए, तो आप में अच्छाई की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमेशा बुरी बात सुनिए, बुरा कार्य कीजिए, बुरे लोगों के साथ रहिए, तो आपका में बुराई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू वांट टू बी, क्या बनना चाहते हैं। कभी कहते हैं आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। कभी कहते हैं कि मैंने तो एक जोखिम लिया, कभी को नौकरी से क्या किया गया, निकाल दिया गया, और मैं अनुमति देता हूं कि प्रत्येक संकट, प्रत्येक डेंजर, प्रत्येक खतरा को उठाने के लिए हम क्या हैं, तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। ये नहीं कि हम रुक जाएंगे, हमारे ऊपर संकट आया तो हम रुक जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं घबराने वाला नहीं हूं। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस कविता में, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। नेचर इज द ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचर इज द ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचर प्लेज ए वाइटल रोल, वाइटल रोल फॉर एनर्जी। प्रकृति ही सबसे बड़ा क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। एंड दिस इज द पॉइंट वांट टू से, बट आई वांट टू से एज फॉर माई थिंकिंग, द पोएट सेज ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। ऐसे लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, लेकिन बदलने का प्रयास कीजिए। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, ये न कि हम न यही सोचेंगे, यही करेंगे। कवि यही कहना चाहते हैं पूरे कविता में कि अपना विचार चेंज कीजिए, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को क्या कीजिए, एडजस्ट कीजिए, ढालिए, और कलर कास्ट और क्रीड के आधार पर कभी झगड़िए नहीं, कभी लड़ाई नहीं। पूरे कविता में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, कभी वाल्ट व्हिटमैन जो अमेरिकन पोएट हैं, ये लैरिक है भी, ऐसे अपार्थिक कविता भी लिखा है, लैरिक भी है, क्योंकि कवि ने अपनी बातों को रखा। इस कविता में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, पहला दो लाइन, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। विगत 10 वर्षों का क्वेश्चन देखिएगा, शायद ही एक असल नहीं आया हो, नहीं तो प्रत्येक साल ही लाइन आया है, जानने के लिए कि किस कविता से लिया गया है। अब एक्सप्लेनेशन आएगा इससे, व्याख्या 4 नंबर का 4 मार्क्स का, 4 लाइन 3 लाइन दे देगा, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, है ना, 3 लाइन नीचे वाला, और उससे एक्सप्लेनेशन पूछेगा। कुछ कहना है किसी को, हो जाएगा, कैम नहीं बचता, बोले ट्रू फॉल्स देखिएगा इसका, 5-6 क्वेश्चन है पोएम के नीचे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। पहला, द पोएट इंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर द सेल्फ, ट्रू, क्या है ये, ट्रू। द स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कवि दूसरों से क्या है, भिन्न है, ये भी ट्रू। लेकिन कहीं कहीं देखिएगा नोट्स वगैरह में, हम देखे थे एक दिन, कोई लड़का लेकर गया था, उसमें फॉल्स लिखा हुआ था, द स्पीकर द पोएट डिस्कार्ड्स नेचर ब्यूटी, ये फॉल्स है। तीसरा फॉल्स, एवरी, चौथा में, एवरी ऑटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, ट्रू। एवरी ऑटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, ट्रू। नंबर 5, द पोएट इज एसोसिएटेड विथ ए पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थाउट, ट्रू। द पोएट हैज ओवरकम हिज ग्रीफ, ग्रीड नहीं होगा, ग्रीफ होना चाहिए, GRIEF, फॉल्स।
फॉल्स, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग अगला पोएम का मीनिंग लिखेंगे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना, अगर टाइम मिलेगा तो पढ़ भी लेंगे, नहीं तो मीनिंग फालतू नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।